नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं वैशाली। केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए आज केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश और गुरदासपुर के सांसद सनी देओल ने गुरदासपुर जिले के सभी अधिकारियों के साथ एक विशेष मीटिंग की और केंद्र सरकार की चल रही योजनाओं को जिले में लागू करने के आदेश दिए और कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से लोगों को दी जा रही सभी सहूलतें मिलनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए आज जिला अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र की आयुष्मान सरबत सेहत बीमा योजना को सही ढंग से लागू करने के लिए विचार किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को सहूलतें देने के लिए केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि ये सहूलतें गरीब लोगों को हर हाल में मिलें और कहा कि केंद्र सरकार ने एक और स्कीम शुरू की है, जिस गांव में गरीब लोगों की संख्या 50% से ज्यादा है ऐसे हर हलके में से 20 गांव लिए जाएंगे और गांव में 40-40 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि सेंटर ने जो GST पंजाब को देना है वो जल्द दिया जाएगा और ये भी कहा कि पंजाब सरकार की ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें केंद्र सरकार भी पैसे दे रही है। वहीं अकाली दल के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद बलविंदर सिंह भूधर ने दोबारा BJP के राज्य में अल्पसंख्यक असुरक्षित है के दिए गए बयान पर कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता, अकाली बहुत खुश है। वहीं इस मीटिंग में पहुंचे गुरदासपुर के सांसद सनी देओल ने कहा कि वो इस मीटिंग में आए और कहा कि हल्के के लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं। प्राइम न्यूज 24 के लिए गुरदासपुर से जतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। जानकारी ली जाती है और अच्छ पहली मीटिंग की है, मेरे नाल सनी देओल जी भी जो अज इतने आए हैं पहली मीटिंग में और ये बहुत सारिया जीम जारे विचार वटांदरा किया। एक तो जी आयुष्मान सेहत सरबत सेहत बीमा योजना ये बारे विचार वटांदरा किया, ये ही जड़िया होर स्कीम शुरू की उन्होंने बारे भी काफ़ी डिस्कस होया, चाहे स्कूलों की स्कीम है, स्कूलों के 5-6 करोड़ रुपया खर्च होया, इस तरह जोड़े मिड डे मील है, ICDS स्कीम ने, ये सारे दे प्रेस नोट डी साहब तुम्हें डिटेल दस देंगे। देखो करोड़ों रुपया सेंटर दी स्कीम खर्च होंगे, चाहे वह बच्चों का खर्चा हो, चाहे सेहत खर्च हो, मिड डे मील स्कीम हो, ICDS के खर्च हो जाए, डिटेल तुम डी साहब दे देंगे। और मैं सारे अफसर को यही कहा भी जी स्कीम का फायदा सारे लोगों गरीब जनता तक पहुँचे ये इंश्योर करना जरूरी है। जिमें कर लोगों घर बना के देने ने, जो गरीब है जो घर सचमुच घर नहीं है उन्होंने बच पाइए, और इस तरह जो लोग स्मार्ट कार्ड अजक बन रहे हैं वो स्मार्ट कार्ड मैं इन्होंने DFSC साहब ने कहा, DC साहब ने भी उन्होंने हिदायत दी है कि जो स्मार्ट कार्ड जो बनाने जिन राशन कार्ड मिलता पार्सल कार्ड की स्कीम है 100% वो कार्ड बना लगे किसी वितकरा ना हो इंश्योर करना और कोई गरीब बंदा रह ना जाए इनू इंश्योर करना है। अगली मैं इन्होंने कहा आ रहा सारा कुछ, कोई ऐसी गल नहीं है। पंजाब सरकार के पंजाब सरकार बहुत सारिया स्कीम ऐसा है जो सेंटर ने पैसे भेजे हले उन्हें होर कि पैसे खर्च कर ले अगे मिल नहीं रहे। स्कॉलरशिप का रौला पैंता, स्कॉलरशिप की 400 मैं कल परसों पूछ रहा मंत्री जी ने 435 करोड़ रुपया दे रेडी टू जस्ट रिलीज, लेकिन क्योंकि पहले यूटिलाइजेशन नहीं गया और ना मिलने करके वो अगे पैसे भेज नहीं सकते हैं। दिल्ली इलेक्शन चल रही है जी, लोग फैसला कर लगे। मैं नहीं सुनिया कहीं, मैंने तो नहीं किया, मेरे को तो जो आ कहते अभी बहुत खुश हैं, इज वेरी हैप्पी। नहीं ऐसी कोई गल नहीं है, मेरी पहली मीटिंग है तो मैं लग रहा सारे काम तो वधिया हो रहा, सही ढंग हर बंदा अपना काम कर रहा, थोड़िया तो उत्ते थले चीज़ा होंगे ही हैं वो हर काम से होंगे, बट चीज़ा वधिया हो रही हैं। तो मेरे वालों जो भी मैं देख रहा कितने साडे वालों कोई चीज़ लैप्स है तो वो वालों से ध्यान देवे, मीटिंग का मतलब यही होंगे कि समझना एक दूजे नाले काम में अगर रखे जाए, बस यही थोड़े लोगों को यही सुनना बहुत पसंद होंगे। काम तो चल ही रहा, मैं कर रहा, ढेर सारिया चीज़ा हो रही हैं तो मैं हूँ जिमें ऑलरेडी सारा साझा काम होंगे, जिमें हम अपना विनोद खन्ना जी ने अपना उत्थे किया लो अपनी नैरो गेज का जो अपना काम से जो अटकया हुआ, मैं भी जब आया से पहली बार इलेक्शन से तो उत्थे मैं फस गया, उस वे पता चलिया कि इतनी मुसीबत है, ये कि बड़ी मुसीबत है,
तो कई सालों तो चल रही सी, तो फिर मैं पिछे लग गया, तो पंजाब गवर्नमेंट ने नाल भी ऐसी गल्लां बातें की जिद नाल जाके फिर हम पूरी चीज़ सेंक्शन हो गई है, हम इन्होंने अगे लैके जावे। तो उस अलावा किन्ने इदा दीज़ा असं कर रहे हैं कि हम उन्होंने वर्क में आ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मैं आप खुद अपनी गल्लां करते हुए मैं जरा अजीब जहा लगता, पर ढेर सारा काम हो रहा, ढेर सारे लोगों की असं लुक आफ्टर कर रहे हैं, किन्ने बंदे बाहर हैं फसे हुए उन्होंने असं ले आने, किन्ने बंदे है जिन्हों जी अपनी स्कीम है, बीमार हैं उन्होंने इलाज करवा रहे हैं, बहुत ढेर सारिया चीज़ा हो रही।